तो आज मेरे पास दो स्टाइलिश लोग मौजूद हैं, याले सरहदी एंड एहतिशाम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक ठाक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये सोच रही होती हूँ आप लोगों के बारे में कि आप लोगों को इतनी सेंस है फैशन सेंस के, जब हम लोगों को इतनी सेंस नहीं है और हम शादियों में जाते हैं और हम देखते हैं क्या किया हुआ है लोगों ने और हम कह रहे होते हैं फल्ला क्या करें कैसे करें, तो आप लोग तो बस टेबल पे बैठ के यही बातें करते होंगे जब भी मिलते होंगे कि ये क्या बिल्कुल भी नहीं, चाहे अवार्ड्स हो चाहे कोई शादी ब्याह हो या कुछ, क्या ये हम दिमाग में रखते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लेस वाली थिंग। हाँ। ना देखो ना सोचो ना हाँ। शक्ल भी नहीं आ जाती कभी, नहीं क्या गड़बड़े हुई हुई है। अब इतने पक्के हो गए ना निदा। हाँ। अब इतना मतलब अगर हो, आता होता तो हम वायरल हो चुके होते माशाल्लाह। हाँ। मेरी बहुत कोशिश है वैसे। हाँ। वायरल होने की मेरी बहुत बहुत नहीं वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। आई फील के फैशन इज समथिंग जो के बहुत पर्सनल हाँ। होता है। व्हाट एवर यू फील दैट मेक्स यू हैप्पी, ऑनेस्टली अगर आपकी शक्ल पे खुशी है और आप कॉन्फिडेंट हैं विद व्हाट एवर यू आर वेयरिंग, चाहे वो कितना भी इनअप्रोप्रिएट हो for the occasion, हाँ. अगर आप confident हैं, there's a joy about you, I think you've succeeded. हाँ. So fashion is all about joy. It's all about. अच्छा अगर मैं एहतिशाम की बात करूँ तो एहतिशाम आपने अगर मैं पाकिस्तान में पूछूँ आपसे concept जो styling का concept है वो उधर आपसी आपकी तरफ से आया है? बिल्कुल. You are the pioneer. Yes. अब मुझे बताएं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ लोगों को बताना कि एहतिशाम ने क्या क्या काम किया है? मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें की। सबसे पहले तो पूरा स्ट्रगल था इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज बैक इन 2006 आप एक लड़के हैं जो पाकिस्तान की एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और आपने एक चीज़ को ब्रेक किया है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, आप CA नहीं हैं। एग्जैक्टली. ठीक है, और फिर आप एक डिज़ाइन स्कूल से निकले हुए हैं और हाँ. आपने डिसाइड किया कि आपने किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करना। हाँ. तो आपने सारी जो मुश्किलात हैं वो अपने लिए खुद ही बना और आप बाहर भी इतने पैसे खर्च करके पढ़ने जा रहे हैं तो वो भी एग्जैक्टली फैशन। हाँ, मतलब वो एक बड़ा एक स्टिग्मा था या एक बहुत ज़्यादा बैरियर था लड़कों के लिए कि इस तरह की फील्ड में आना और फिर उसमें सक्सेस, तो एक नेक्स्ट लेवल बात। खैर बस फिर मेरा करियर शुरू हुआ एक पब्लिकेशन के साथ और उनके पास उनको चाहिए था एक फैशन कोऑर्डिनेटर जो लिख भी सके फैशन पे, जो उनके शूट्स भी स्टाइल कर सके। सो आई स्टार्टेड विद देम एंड देन सेम ईयर मैं अपने मास्टर्स के लिए गया इंग्लैंड और वहाँ पे जाके फिर मैंने चीज़ों को कंटिन्यू किया, स्टाइलिंग को कंटिन्यू किया, इंटर्नशिप्स की। सो उस टाइम पे आई वाज डूइंग लंदन फैशन वीक इंटर्नशिप, आई वाज डूइंग इंटरनेशनल जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ इंटर्नशिप, ताकि जितना सीख सकता हूँ उतना सीखूँ। वापस आया एक अलग स्ट्रगल कि जी आप आ तो गए लेकिन हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करते हैं? हाँ, वो जगह भी नहीं थी ना। अच्छा बाहर तो फैशन शोज होते हैं, वहाँ तो मस्त स्टाइलिस्ट या कोई फैशन शूट्स होते हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ जगह बनानी पड़ी। आई थिंक इसने सेट किया था ये कि एक स्टाइलिस्ट की जगह क्या होती है, उसके रीजन फॉर बीइंग क्या है। बिकॉज उससे पहले निदा जो भी काम हो रहा था, उस जमाने में तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी पढ़ रही थी। ठीक है, तुमने फाइन आर्ट्स पढ़ा? मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा है, मेरा एस्थेटिक सेंस दूसरी तरह से सही था। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन फैशन, नेवर, इट केम वेरी मच लेटर टू मी इन लाइफ। In fact, Ehtisham was one of the reasons, he was a stylist for me. मेरी दोस्ती वहीं हुई थी एक कमर्शियल पे, उन्होंने मुझे स्टाइल किया था, बहुत ही कोई अच्छी प्यारी बेटी थी उसमें, अच्छी प्यारी बेटी बहू टाइप्स। और उसके बाद फिर मैंने जलेबी की थी जिसमें बिल्कुल अच्छी प्यारी बेटी टाइप्स नहीं थी मैं। सो इन्होंने मुझे एक्चुअली कास्ट भी किया था सर में, और मैं यही सोचती, मैंने कहा Ehtisham व्हाट मेड यू थिंक के एक फॉर्मल अच्छी प्यारी घरेलू बेटी आई कुड हैव बीन कास्टेड एज अ बार डांसर, यू नो। सो ये होता है रीजन फॉर अ स्टाइलिस्ट कि उसकी आंख होती है किसी को पहचानने की, कि इसको किन किन लिबादे में किस तरह से आपको पोर्ट्रे करना है। अच्छा आपने जलेबी स्टाइल की थी? जी।